सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज बात करने वाला हूँ, इस सप्ताह तीन बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इन तीन बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या असर होने वाला है, आइए जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल में। इस सप्ताह 11 से 17 जून चंद्रमा मेष से कर्क राशि तक जाएगा। इसके अलावा तीन बड़े ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह तीन ग्रहों के परिवर्तन का असर सभी राशियों पर अलग अलग दिखाई देगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, नहीं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। व्यवसायिक कामकाज में थोड़ा एक्टिव रहना होगा। सेहत की चिंता इस समय कम हो सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को इस समय थोड़ी भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी। व्यापार में रुचि बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बढ़ सकता है। अविवाहित लोगों को प्रेम में धोखा मिलने के योग हैं। सोच समझ कर कदम उठाएं। इस सप्ताह धन लाभ होने के पूरे योग बन रहे हैं। इन दिनों में किया गया काम नौकरी पेशा लोगों की तरक्की से जुड़ा हुआ है। बिजनेस में भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आलस्य और मानसिक थकान भी बनी रहेगी। आधे सप्ताह बाद आप कुछ प्लानिंग बना सकते हैं। ये प्लानिंग प्रोफेशन, परिवार या आपके आसपास के लोगों से जुड़ी हो सकती है। नौकरी या बिजनेस में आपको किसी तरह का फायदा हो सकता है। आपको दुश्मनों से भी सावधान रहना जरूरी है। वृषभ राशि, इस सप्ताह कुछ नए काम शुरू हो सकते हैं। दोस्तों या पुराने कॉन्टैक्ट्स से आपको मदद मिल सकती है। इस सप्ताह के बीच में भी आप थोड़े परेशान रहेंगे। खर्चा बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आप विपरीत लिंग वालों से दूरी रखेंगे। धन के मामले में यह समय आपके लिए ठीक ठीक ही रहेगा। नौकरी करने वाले लोग इन दिनों में काम के कारण थोड़े परेशान हो सकते हैं। कामकाज भी ज्यादा हो सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि कोई काम करेंगे तो उसका क्रेडिट किसी और को मिल सकता है। इस हफ्ते जमीन का कारोबार करने वाले कोई बड़ा निवेश ना करें। थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी हो सकती है। पेट के रोग भी होने के योग हैं। लंबे समय से रुके हुए काम इन दिनों में पूरे हो सकते हैं। इस राशि वाले लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। थोड़ी व्यस्तता के चलते परिवार को समय कम दे सकते हैं, लेकिन इसका बुरा असर भी आपके रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। मिथुन राशि, सेहत के हिसाब से ये सप्ताह इतना अच्छा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इन दिनों में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। बदन दर्द और सिर दर्द बना रहेगा। लव लाइफ में कुछ नए फैसले ले सकते हैं। लव पार्टनर से संबंध सुधरेंगे। ये सप्ताह इतना अच्छा नहीं जा सकता है। इस सप्ताह आप ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम करेंगे जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई बड़ा रिस्क ना ले तो ही अच्छा है। जोखिम उठाने से बचेंगे तो 7 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। इस समय दौड़ भाग हो सकती है। सरकारी नौकरी वालों को यह सप्ताह सामान्य जाएगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। इन दिनों में आप किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। कर्क राशि, इन दिनों में आपके सामने आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर आ सकते हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी। ये 7 दिन अच्छे रहेंगे। इस सप्ताह आपका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहेगा। इतने समय से जो काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इस समय में आप काफी हिम्मत जुटा के उस काम को कंप्लीट करेंगे। सरकारी या प्राइवेट जॉब वालों को इस सप्ताह तरक्की मिलने के मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय एक नई दिशा प्रदान करेगा। जीवन साथी से सहयोग कम ही मिल पाएगा। लव लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव दिख सकते हैं। सेहत भी अच्छी रहेगी। बेरोजगार लोगों को नौकरी या कोई रोजगार मिल सकता है। सफलता आपके साथ चलेगी। बिजनेस करने वाले लोगों को व्यवसाय में वृद्धि होगी। आप लेन देन में सावधानी रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। सिंह राशि,
निवेश करते समय पूरी तरह सावधान रहें और किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई काम करें। इस सप्ताह में आप थोड़े चिड़चिड़े रहेंगे, जरूरी कामों में भी रुकावट आ सकती है, पुराने दोस्तों के साथ भी समय बीतेगा, आपके कुछ काम दोस्तों और भाइयों की मदद से पूरे हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नई तरह की कोई कोशिश करनी पड़ सकती है, उसमें आपको फायदा ही होगा। पेट की समस्या से परेशान रह सकते हैं, खान पान में सावधानी बरतें। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को सफलता मिलेगी, व्यवसाय में धीरे धीरे फायदा मिलेगा, वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे, पार्टनर से संबंध सुधर सकते हैं, सुख और खुशियां इस हफ्ते आपको मिल सकती हैं। इस सप्ताह में किसी को शादी या प्रेम का प्रपोजल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कन्या राशि, जमीन की खरीदारी इस समय बिल्कुल ना करें, इन दिनों में ऐसे प्रस्ताव आपको जरूर मिल सकते हैं जिसमें आप जमीन पे निवेश करें, फालतू यात्रा के योग भी बन सकते हैं, अच्छे समय का इंतजार करना होगा, कोई बीमारी परेशान कर सकती है इसलिए अपना ध्यान खुद रखें और तबीयत बिगड़ने से जरूर इलाज करवाएं। ये समय थोड़ी उथल पुथल का है और भाग दौड़ करने का है, इनकम के हिसाब से ये सप्ताह आपके लिए फेवरेबल नहीं है, पुराने कर्ज चुकाने पड़ेंगे, इस सप्ताह आपके फालतू खर्च बढ़ सकते हैं, दिमाग में वैचारिक उथल पुथल होने से कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, लापरवाही से आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है, व्यापार में भी अनिश्चितता का माहौल बन सकता है, कुछ बातें आपके दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए इस हफ्ते जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें। तुला राशि, लव अफेयर के मामले में ये 7 दिन बहुत अच्छे हो सकते हैं, सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा ले सकते हैं, साझेदारी के कामों में छोटा मोटा फायदा हो सकता है, किसी खास इंसान की वजह से परेशानियां और तनाव हो सकती हैं, रोजमर्रा के कामों को लेकर इन दिनों में आप सावधान रहें, कुछ नया करने से पहले किसी अनुभवी इंसान से जरूर सलाह लें, इस सप्ताह आप पेट संबंधी रोगों से या बदन दर्द से परेशान रह सकते हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल नहीं है, इनकम के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इस सप्ताह आप पारिवारिक संबंधों में थोड़े से ज्यादा उलझ सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है, भाइयों से सहयोग मिल सकता है, साथ काम करने वाले विपरीत लिंगों के लोगों से सावधान रहिए, इन दिनों में पैसे उधार देने से बचें, बिजनेस करने वाले लोग उधार न लें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह भोजन के प्रति रुचि कुछ कम ही रहेगी, नौकरी पेशे लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसका फायदा भी मिलेगा, व्यापार में जैसे तैसे काम चलेगा, दाम्पत्य जीवन में आपसी सहयोग से मधुरता आएगी, झूठ बोलने से बचें, झूठ पकड़े जाने से रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है, ये 7 दिन ठीक ठीक रहेंगे, शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, इन दिनों में आपको पैतृक संपत्ति से फायदा मिलने के आसार दिख रहे हैं, अपने काम के लिए आपको काफी दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, इस सप्ताह बनाई योजनाओं के प्रति सकारात्मक रहेंगे तो आपको फायदा हो सकता है, जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सफलता मिल सकती है, काम धंधे में रुकावटें पैदा हो सकती है, आमदनी के लिए कोई नई कोशिश आपको सफलता दिला सकती है। धनु राशि, नौकरी पेशा लोग इस सप्ताह किसी अच्छी खबर के मिलने से खुश हो सकते हैं, रोजगार में वृद्धि हो सकती है, आपके शौक पूरे हो सकते हैं, अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, नए कपड़ों की खरीदारी हो सकती है, व्यापार के लिए यह समय अच्छा रहेगा, इस राशि के अविवाहित लोग अपने प्रेम पर खर्च कर सकते हैं, इस सप्ताह कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, आपकी दोस्ती बुद्धिमान लोगों से हो सकती है, आपको कुछ लोगों से पैसों से जुड़ी सलाह मिल सकती है, ध्यान रखें मंगलवार को कर्जा या पैसा उधार न दें और न ही लें, राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है जिससे आपको फायदा ही होगा, पारिवारिक परेशानियां खत्म हो सकती है, इन दिनों में आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकता है,
इन दिनों में आपको अचानक होने वाली यात्राओं से बचना चाहिए। मकर राशि, सेहत को लेकर इन दिनों में आप सावधान रहिए। सप्ताह के कुछ दिन आपको थकावट में डाल सकती हैं। मानसिक तनाव और सेहत संबंधी परेशानियां भी इन दिनों में रहेंगी। व्यापार में अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। बेरोजगारों को दौड़ भाग बहुत करनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव भी रह सकता है। अविवाहित लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो न ही करें। सही समय का इंतजार करना आपके लिए उचित है। सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इन दिनों में आपकी योजना पूरी हो सकती है। सावधान रहें, गुप्त प्लानिंग भी सबके सामने आ सकती है। बिजनेस और नौकरी पेशे में कुछ रुकावटें आने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश न करें। कुछ मामलों में फालतू खर्च भी हो सकता है। इस सप्ताह में आपको किसी पार्टी या छोटे मोटे आयोजन के लिए भी पैसा देना पड़ सकता है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके साथ अजीब स्थिति बन सकती है। आपका दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में चलेगा। कोई डिसीजन लेने में भी परेशानी महसूस करेंगे। इस सप्ताह सितारे विवाद और खर्च करवा सकते हैं। दुर्घटना और चोट के योग बन रहे हैं। पारिवारिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। इस समय आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक परेशानियां इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती हैं। नौकरी पेशे वाले लोगों को तरक्की में रुकावट आ सकती है। बिजनेस में निवेश सोच समझ कर करें। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव भी बढ़ सकता है। संभल कर रहें। इन 7 दिनों में अविवाहित लोगों को विवाह के ऑफर मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपको बहुत ही सावधानी से बिताना है। मीन राशि, जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखें। संतान की ओर से शिकायत मिल सकती है जिसको लेकर आप टेंशन में रहेंगे। झूठ और दिखावा करने से बचे। किसी कारण से दूर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आमदनी के लिए किए गए प्रयासों में आप सफल रहेंगे। जोड़ों के दर्द से आपको इन 7 दिनों में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नौकरी वाले अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपको इसका फायदा भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। इन दिनों में सितारों की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी, जिसके प्रभाव से आपको दोस्तों और भाइयों का साथ मिलेगा। लोगों की मदद से सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। ऑफिस या फील्ड में आपका परफॉर्मेंस शानदार रहेगा। आप अपने कामकाज से लोगों को प्रभावित कर देंगे। आप अपनी अच्छी छवि बनाएंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात के साथ सफलता के भी योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का राशिफल। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।